वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो आपको जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में स्टूडेंट अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी दोस्तों जो लेखपाल की वैकेंसी आई है उसमें अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं और दोस्तों आपको उसमें जो फोटो एंड सिग्नेचर की जो प्रॉब्लम हो रही है उसके दोस्तों मैं उसकी इसी टॉपिक के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जब आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर आते हैं दोस्तों अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं, उसके बाद दोस्तों आप यूपी ट्रिपल एससी जब टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से खुलकर आता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप अपना नो योर स्टेटस वाले पर चेक करके अपना स्टेटस देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पीईटी का जो अपना फॉर्म है, स्कोर कार्ड है, वो आप डाउनलोड करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब दोस्तों आप यहाँ से एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पीईटी वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपना पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और दोस्तों आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल करके जब क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो दोस्तों आपको यहाँ पर फिल होने, जो पहला स्टेप होता है पर्सनल डिटेल का, वो आप फिल कर लेते हैं। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब दोस्तों आप फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज पर आते हैं, जैसा कि दोस्तों आपके सामने ये पेज है, ये स्क्रीनशॉट है, जब आप एप्लीकेशन की जो पहली फर्स्ट वाला जो स्टेप वो कंप्लीट कर लेते हो, आपको फोटो एंड साइन की यहाँ पर जो ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन इस तरह से ब्लैंक आते हैं। यहाँ पर के जो साइन है वो आयोग के द्वारा यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो साइट का जो सर्वर है वो दोस्तों बहुत ही बिजी और बहुत ही एरर दे रहा है, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन दोस्तों पिछली जब वीडियो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अगर आप अपना जो फॉर्म है वो दोस्तों रिफ्रेश या फिर दोबारा से लॉग इन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अब वो जो आप स्टेप कर रहे थे अब वो भी स्टेप यहाँ पर नहीं हो पा रही है, अब ज़्यादा ही यहाँ पर एरर आ रहा है। अब चाहो यहाँ पर तुम 20 या 50 बार रिफ्रेश कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर बिना ही फ़ोटो एंड साइन यहाँ पर शो हुए ही यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे दोस्तों इनका जो पेज है वो अदर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक होकर चला जाता है और दोस्तों आप बिना फ़ोटो एंड साइन के यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर दोस्तों आप यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको अपना जो फॉर्म है उसमें फ़ोटो एंड जो फाइनल सबमिट करेंगे उसमें दोस्तों आपको फ़ोटो एंड साइन नहीं आ पाएंगे और उसमें दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसमें दोस्तों क्या, जैसा कि दोस्तों ये जो फाइनल प्रिंटेड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल प्रिंट की है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर फ़ोटो एंड साइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब आप बिना फ़ोटो एंड साइन शो हुए ही आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का जो फोटो एंड साइन का ऑप्शन है यहाँ पर भी आपको ब्लैंक आएगा, तब दोस्तों आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों अपना जो फॉर्म है वो बिना यहाँ पर दोस्तों जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पर बिना फ़ोटो एंड साइन शो हुए आप यहाँ पर कंटिन्यू ना करें। और दोस्तों अगर इस साइट का जो सर्वर है वो दोस्तों जल्दी ठीक हो जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा से अपना जो फॉर्म है लॉगिन करके और दोस्तों अपने जो फ़ोटो साइन यहाँ पर आ जाती हैं तभी यहाँ पर कंटिन्यू करें। और दोस्तों जिन व्यक्तियों ने अपना जो फॉर्म है वो दोस्तों ऐसे ही सबमिट कर दिया है तो वो दोस्तों आपको क्या करना, आपको मेन साइट पर आना है और यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई योर फॉर्म, तो दोस्तों मॉडिफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको पीटी का अपना रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ और सारी जानकारी आपको फिल करके क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो आपको जैसे इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मॉडिफाई वाला ऑप्शन मिल रहा है इस मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों मॉडिफाई होगा और आपको जो फोटो और सिग्नेचर है वो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट निकाल लेना है। लेकिन दोस्तों ये जब ही होगा जब आपका जो सर्वर है आयोग के द्वारा, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है उसके द्वारा जब सर्वर सही किया जाएगा और दोस्तों किसी प्रकार का कोई एरर नहीं रहेगा तभी दोस्तों आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, दोस्तों उल्टे सीधे भी कमेंट कर रहे थे कि दोस्तों मेरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है अब मैं क्या करूं, तो इस तरह के दोस्तों कमेंट ना करें। मैंने आपको जो जानकारी दी है ये जानकारी बहुत ही सही है। तो दोस्तों अगर आप अपना फॉर्म कम्प्लीट करने से पहले फ़ोटो एंड साइन यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं कि आपका फ़ोटो एंड साइन शो नहीं हो रहा तो आप उसे सबमिट मत कीजिए। यही मेरे दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और दोस्तों आपसे
एक और रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट कर दिया है आपने बिना और फोटो साइन के, तो आप उसे मॉडिफाई जरूर कर लें, वरना आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट आयोग द्वारा नहीं माना जाएगा। और दोस्तों इसका जो सर्वर है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप अपना जो फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट कर लें। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दोस्तों यहाँ पर थोड़े ही दिनों में सही हो जाएगी। ये दोस्तों जो UP SSC की जो वेबसाइट है उस पर लेखपाल का फॉर्म ऑनलाइन करते ही आ रही है, बाकी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अगर आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना स्टेट चेक करते हैं तब भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको कोई किसी प्रकार का जो आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर रिलेटेड टॉपिक था उसमें दोस्तों कोई सॉल्यूशन नहीं बताया मैंने, बस दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट की यहाँ पर ना जो फॉर्म है बिना फोटो साइन के यहाँ पर दोस्तों सबमिट ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।